नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और आप खबरों को देते हैं विस्तार। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र के गांव सवलाना में देर रात को हरियाणा पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से फायरिंग की गई, जिसमें हरियाणा पुलिस को पीछे हटना पड़ा, जिसका फायदा उठाकर बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस बदमाशों का पीछा करते हुए आ रही थी, तो हरियाणा पुलिस ने कामा थाने के गांव सबलाना में बदमाशों को घेर लिया, जिसमें बदमाश अपने आप को घिरा देखकर पुलिस पर फायरिंग करने लग गए और पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की, लेकिन बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। फायरिंग की घटना के चलते ग्रामीण दहशत में आ गए और अपने घर के अंदर से ही फायरिंग की आवाज सुनते रहे। प्रत्यक्षदर्शी लोगों के अनुसार पहले हरियाणा पुलिस और बदमाशों के बीच हाथापाई भी होने की जानकारी दी गई है और फायरिंग होने की सूचना लोगों को द्वारा रात को ही कामा थाना पुलिस को सूचना दे दी गई थी, जिस पर कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कामा से राकिब खान की यह रिपोर्ट। देखिए, कामा में दो तीन जगह चोरी हुई है, फायरिंग की घटना हुई है, कुछ बरातियों के साथ मजामत हुई है। अपराध की जो घटनाएं घटी हैं, इसके लिए सभी हमारा राजनीतिक दल और यहाँ के व्यापार मंडल के लोग सब चिंतित हैं। भाई, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए और यदि पुनः इनकी पुनरावृत्ति होती है तो निश्चित रूप से पुलिस की नेग्लिजेंसी सामने आती है। आज भी कई परिवादियों ने जिस तरह से बताया कि भाई पुलिस थाने गए और वहाँ व्यवहार में कुछ लोगों के में अंतर था, व्यवहार ठीक नहीं था, तो मेरा कहना यही है कि पुलिस व्यवहार को भी सुधारे और अपराधों पर अंकुश लगाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के खिलाफ आंदोलन कर। रात को फायरिंग की घटना की सूचना थाने पर नहीं थी। अभी सुबह ग्रामीण किसी का फोन आया कि गाँव के में दो खोल पड़े हैं खाली जी, चले हुए कारतूस पड़े हैं, दो खोल पड़े हैं, तो उनको वहाँ पे सूचना पर गए और दो खोल जब्त करके ले। गाँव वालों को भी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही किसी ने कोई बताया।